इस दा नाम बूटा सी ते हुण अजकल इस नूं बूटा गप्पी दे नाल जाना जांदा बुलाया जांदा। बूटिया नूं ना छेड़ो, बूटे गप्पी नूं छेड़ लो। ओ मेरे शहनशाह सारियां रचाइयां ठेडा तेरियां, ओ सज सज बैंदियां ने ओ मिट्टी दियां हटेरियां। रगड़ा तेरा हुंदा नहीं पूरा कित्थों ल्यावां, सप तेरे मारदन डंग वे भोलिया कित्थों तोड़ के कित्थों तोड़ के लियावां तेरी ही भंग भोलिया वे। जिस फूल में खुशबू नहीं उस फूल को हार में परोने का क्या फायदा, जिस इंसान में इंसानियत नहीं उसको बुलाने का क्या फायदा। आपका जीवन है मनुखता की सेवा लिए अर्पित करता, कारण की है क्योंकि जो किसी की सरकारी पेंशन आने लग पैंदी है वह तो आपके परिवार बारे सोचते है नज़ारे लेंदे है। वो इंसान ही नहीं जिहड़ा अपने गुआंढी बारे नहीं सोचता, इंसान तो वह है जिहड़ा इंसान बारे सोचता। जे आप इंसान बारे ना सोचांगे तो अपना फेल हो जावांगे जी। मेरे प्यो ने इस सेवा ते लाया नौवीं पातशाही ने जी, मैं नौवीं पातशाही दी, मेरी माँ मेरिया भैन मैनू नौवीं पातशाही दियाँ बहुत ही गल्लां सुनाउंदियां हुंदियां सी। उस तो बाद फिर मैं नौवें पातशाही का आशिक हो गया जी। पहला धर्म मनुखता की सेवा, तो इन्हां शब्दों नूं फरीदकोट के एक शख्स ने अपने जीवन का गहना बना लिया है। उसने अपने दुनियावी कम्मां तो उपर उठ के ते मनुखता की सेवा नूं अपना सारा जीवन है जिहड़ा उन्हें अर्पित कर दिता है। तो उस शख्स दे पहला तुहानूं कम्मां ते जरूर झात मरावांगे क्योंकि उस शख्स वल्लों फरीदकोट के राम बाग दे विच अपनी सेवा है जिहड़ी सारी अर्पित कर दित्ती है। फरीदकोट के राम बाग दे विच जिन्ने भी इत्थे संस्कार हुंदे ने उन्हां दे संस्कार भी इस शख्स वल्लों अपने हत्थीं कीते जांदे ने, ते नाल ही इस राम बाग दे विच जिन्नी साफ सफाई दे प्रबंध ने जिन्ने इत्थे दरख्त लगे ने बूटे लगे ने ते सारयां दी सेवा भी वह शख्स खुद करदा है। तो पहला उस शख्स दे कम्मां ते तुहानूं जरूर झात मरावांगे कि वह शख्स किस तरीके दे नाल इत्थे सेवा करदा है। तो उस तो बाद पूरी जिहड़ी उस दे नाल जानकारी उस तो हासिल करांगे उस दीआं गल्लां बातां दे नाल उसने आपदा जीवन इस दुनिया वास्ते इस पासे क्यों अर्पित किया, मनुखता की सेवा लिए उन्हें आपदा जीवन क्यों अर्पित किया, वो सारिया गल्लां उस दे नाल खुल के सांझियां करांगे। आओ मरौने आ उस दे कम्मां ते पहला झात। इस दा नाम बूटा सी ते हुण अजकल इस नूं बूटा गप्पी दे नाल जाना जांदा बुलाया जांदा, ते पर इहदे नाम दे बिल्कुल जिहड़े दे कम्म आ उस दे उल्ट ने। देखो इस दी मस्ती। रगड़ा तेरा हुंदा नहीं पूरा कित्थों ल्यावां, अकत तूरा सप तेरे मार देने सप तेरे मार देने डंग वे भोलिया कित्थों तोड़ के ल्यावां तेरी ही भंग भोलिया वे कित्थों तोड़ के। तां सुनिया तुसीं जे खुद ही आप भोला है तां इस दे बोल भी भोले ने। तां ए इंसान है बूटा सिंह ते बूटे सिंह तो बन गया बूटा गप्पी। हालांकि तुहानूं दस दिंदे आ कि ये पूरा परिवार है जिहड़ा सरकारी नौकरी ते इस तो पहला समावां आपदियां दे रहे सी। इस दी गल कर लईए, इस दी पत्नी दी गल कर लईए, इस दे सहुरे परिवार दी गल कर लईए, तां हुण जिहड़ा इन्हां ने सारा जीवन है मनुखता दी सेवा लई जिहड़ा अर्पित कर दित्ता है, तुहानूं जिहड़ियां वो इन्हां दे कम्मां दीआं जो भी ये काम समावान निभाउंदे ने वो सारी तुहाडे सामने वो तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखाईआं लिआंदियां है। तां नाल तुहानूं ये भी दस दिंदे आ कि
मरहूम कलाकार सन जिहड़े अमर सिंह चमकीला तां उहनां दे साधू भी ने इह तां सारी गलबात करांगे बूटे दे नाल कि बूटे तो बूटा गप्पी किवें बणिया क्यों जिहड़ा आपदा जीवन आ उहनां ने सारा इस मनुखता दी सेवा लई अर्पित कीता। स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। जिस फूल में खुशबू नहीं उस फूल को हार में परोने का क्या फ़ायदा, जिस इंसान में इंसानियत नहीं उसको बुलाने का क्या फ़ायदा। क्या बात है बूटा जी। थोड़ा साढ़े दर्शकों को आपका जीवन बारे पहले जरूर थोड़ा जानकारी दे दो। मैं जी पिंड गोलेवाल का रहने वाला जी। गोलेवाल पैदा होया सी जी। उस तो बाद कुछ मजबूरियाँ माता पिता मरन करके मैनू अपना पिंड छड़ना पिया। फिर मैं असी फरीदकोट आ गए। इत्थे जो भी फरीदकोट से काम मैनू मिलिया, दिहाड़ी कोई चक्की कोई रक्षा कोई भी काम मिलिया, मैं इत्थे सारे काम खुशी दे नाल कीते है। तो मैनू फरीदकोट दे विच्चों जिन्ना प्यार मिलिया मैं इन्हां दा प्यार कभी भी नहीं भुल सकदा जी। उस तो बाद फिर जी सरकारी नौकरी दे विच रहे हैं, तुसी रिटायर हो अजक ये भी दस्या जा रहा कि तुहाडी 40,000 के करीब है जी पेंशन भी आ रही है, उसके बावजूद जिहड़ा आपका सारा जीवन तुसी अर्पित करता मनुखता की सेवा लई। कदों नौकरी ते लगे सी, कदों रिटायर होए हैं, कदों इस पासे आए हैं? मैं तुहानू ऐ दसदा जी, मैनू ये पता नहीं गया जी। मैनू इत्थे फरीदकोट दे मेरे गुरु है जी, जिन्हां नू अपने मैं उहनां दा बहुत इज्जत मान करदा, खालसा साहब जी वो मेरे गुरु है, मेरे पिता है। उन्होंने घर मैं जाता हूँ, उन्होंने मेरा प्यार से, उन्होंने मैं बठिंडे भेजता कहते जा नौकरी से लग जा, तो उन्होंने मैं इस महकमे से नौकरी मिल गई जी। कौन से महकमे से? लोक संपर्क विभाग वालों जी। अच्छा, कितना टाइम नौकरी की? 33 साल जी। 33 साल? हाँ जी। तो होर परिवार के भी लोग जे सरकारी जॉब से सी? साढ़े रिश्तेदार जिन्हें से जी, सारे मुलाजम है पंजाब सरकार च, सारे बाकी पुलिस से बहुत है जी। पहला जिम्मे हूँ मैं पहला भी दसिया, जिम्मे पहला तो नाम बूटा सिंह हों, फिर बूटा सिंह तो बूटा गप्पी किमें बनया? फिर बूटा गप्पी इंज बने जी, फरीदकोट आ के कोई काम है नहीं जी, तो इतने साढ़े महल रामलीला होंगी सी जी, तो रामलीला ने मैनू कहिंदे सी तैनू रात नू कुछ दे दिया करांगे कि तू पानी भरन लई आ जा कर। वह मैं सफाई करदा सी जी, पानी भरदा सी जी, उत्थे मैं जांदा सी, उत्थे उहनां दा योकर नहीं आया जी, तो बाई मैनू बाई ने घग्गरा पा पू के ते तारक लवा के और रामलीला दे विच पेश करता, बूटा रखता बूटा गप्पी जी। और ये ना वेखो जी बंबे तो लैके फिरोजपुर तक वज गए। बोर्ड भी तुहाडे नाम दे लगे है कि बूटे उन्ना छेड़ो बूटे गप्पी नू छेड़ लो। हाँ ठीक है जी। मैं ये सब नू बेनती करदा, सारे भैणां भरावां नू बेनती आ, पढ़ लो बूटियां नू ना छेड़ो, बूटे गप्पी नू छेड़ लो, लो जी छेड़ लो जी। परिवार च कौन कौन है बूटे दे? इस वेले मेरा बेटा जी ते मेरी बेटी है जी। जिवें हुण तुहाडा परिवार वधिया, तुसीं भी सर्विस ते सी, तुहाडी वाइफ भी सर्विस ते सी, चंगी इनकम सीगी, तां फिर बूटे नूं हुण क्योंकि जिहड़े तुहाडे बच्चे आ उह भी चंगे घरां दे विच व्याहे वरे, आपदा आपो अपने कम्मां कारां ते लगे है, उस दे बावजूद भी बूटे गप्पी ने आपदा जीवन है मनुखता की सेवा लई अर्पित करता। कारण की है? क्योंकि जदों किसी की सरकारी पेंशन आउण लग पैंदी है उह तां आपदे परिवार बारे सोचदे है, नज़ारे लैंदे है। नहीं जी, वह इंसान ही नहीं जिहड़ा अपने गुआंढी बारे नहीं सोचता। इंसान तो वह है जिहड़ा इंसान बारे सोचता। जे आप इंसान बारे ना सोचांगे तो आपां फेल हो जावांगे जी। हुण इत्थे मैं सारी दुनिया नूं प्यार नाल जितदा जी, कोई आउंदा इत्थों खुश हो के जाता जी। समाज सेवा के कामों वास्ते तो होर बहुत काम ने, तुसीं आपदे कोलों पैसे ला के भी काम कर सकते, सेवावां दे सकते, होर भी कर सकते। इस पासे क्यों आना पिया तुहानूं? क्योंकि ये सब तो वड्डी है, क्योंकि इस तो मैनूं लगता नहीं गा कोई जे तुसीं इस इन्नियां सेवावां दे रहे हो वह भी जिहड़ी एक रामबाग दे विच जिथे परमात्मा की कृपा दे नाल जदों कोई दुनिया तो इस दुनियावी दुनिया तो चलिया जांदा है। मैनूं लगता फरीदकोट दे विच काफ़ी रोजाना इत्थे संस्कार हुंदियां ने, उत्थे तुसीं आपदी सेवा निभा रहे हो। मैं तुहानू सही गल दसदा जी, मैनू मेरे प्यो ने इस सेवा ते लाया 9वीं पातशाही ने जी। मैं 9वीं पातशाही दी मेरी माँ
मेरिया भैन मैनू नौवीं पातशाही दियां बहुत ही गल्लां सुणाउंदियां हुंदियां सी। उस तो बाद फिर मैं नौवें पातशाही का आशिक हो गया जी। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ नौवें पातशाही का दीदार चाहिए है। नौवें पातशाही मेरिया अखां मूहरे रहन, बाकी मैनू कुछ नहीं चाहिए जी। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਘੜਾ ਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੂਟੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਇੰਝ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਕ ਭਨਾਗਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 22-23 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲ ਵੜਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਲਵਾਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਵਾਰਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਕ ਭੜਾਗਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਬਣਾਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਤਾਂ ਮੋਨੇ ਜੀ ਬੰਦਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4-5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੂਟੇ ਗੱਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਗੱਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਗੱਪੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਗੱਪੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਗੱਪੀ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ, ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਚੰਚਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭੇਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਜੀ? ਗਾ ਦਿਓ। ਲੰਘਦੇ ਮਿਲੋ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਗਦੇ ਮਿਲੋ, ਲੰਘਦੇ ਮਿਲੋ ਨਾ ਕਦੇ ਸੰਗਦੇ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਖੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਪਵਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ
के मिलना भी बंद हो गया, के मिलना भी बंद हो गया। क्या बात है, तुसी आप खुद नहीं सोचा भी मैं भी इस काम की बजाए जिहड़ा हुण मैं रिटायर हो गया तो मैं गाउण वाले पासे जावां? नहीं, उम्र दे लिहाज ना बंदे नू ना चंगा नहीं लगता जी, लोग कहणगे कंजर की करी जांदा। किन्नी उम्र किन्नी हो चुकी बूटे थोड़ी? मेरी 74 साल जी। क्या बात है जी, देखो तुसी 74 साल उम्र हो चुकी है इस जिहड़ी शख्स की, तो अज भी वह 74 साल का लगता नहीं गा, पर तुहाडे बोल सुन के कितना कितने मैनू लगता भी लोग ये जरूर सोचणगे कि बूटा यार कोई ना कोई नशा जरूर करता होगा। नहीं नहीं, मैं तो नशा उहदे रहिंदा जी। सेहत पक्षों पूरे सही हो? हाँ बिल्कुल जी, लो मारा पूरे तंदुरुस्त हो। हाँ जी, 74 साल की उम्र है इस शख्स की, तो देखते हो तुसी कसरत भी जरा खूब करते हैं। कसरत तो नवे पाशाह करा दें जी, इधर 6-7 गेड़े लग जाते जी, वो सानू कसरत हो गई ये हो जाता है। अमर सिंह चमकीले दे नाल किन्नियां तुहाडियां यादां हैं, कदों तुहाडी जिहड़ी उन्हां दे नाल लियाज पई है की है वह भी थोड़ा जरूर दस दौ, कि यह भी दस्या जा रहा है कि जी उन्होंने नाल अमनजोत गाँवी होंगी सी जोड़ी से तुम्हारी साली से तुहाडे कोल रही। चमकीला जी का जी मैं कभी भी दे नहीं दे सकता, चमकीला जी ने जो कुछ मैनू बखाया दुनिया से कमाया फराया, ना तो चमकीले वर्गा इंसान आऊगा ना ही अमरजोत वर्गी गायका आऊगी जी। दोवें ही बहुत चंगे सी, शनि ऐतवार मेरे घर होंगे सी जी फरीदकोट, इतने उन्होंने होना जे मैं कहीं छुट्टी होनी तो फिर मैंने उन्होंने नाल लै जाना जी। अमर सिंह चमकीले का जिहड़ा विआह का सबाबा वह कदों बनया अमरजोत दे नाल? वाहवा चिर हो गए जी, याद देर दूर तो मैं याद मैं एंड पढ़ा जी। ये तुहाडे कोल होंदी सीगी अपनी अमरजोत? हाँ जी मेरे कोल सी जी, फिर मैं डैडी नाल गल की अपने सहुरे नाल, तो मैं वह कहते बूटा तुहाडी मर्जी है जी, तुम समझो प्यो है तुम जो थोड़ी मर्जी है। सुभाग क्यों बजाऊँगा जी अमरजोत का ज अमर चमकीले का? बहुत वधिया जी, कि जिहड़े हुण आम लोकां वास्ते भी कोई काम करदे सी, जिवें हुण कहा जांदा सीगा कि इको जिहड़े गाने गाउंदे आ, क्योंकि उस वक्त कहिंदे हुंदे सी कि गाने इह जिहड़े तिखे गाउंदे आ कितना कितने अश्लीलता उह गानां दे विचों दिखाई दिंदी है, उह किवें किन्नी कु सच्चाई है, उहनां दा असली चेहरा किस तरीके दा? इंज आ जी, उदों ना मतलब 2-3 गीतां दी साडे नाल गलती होई है जी, लोक साडे नाल नाराज़ हो गए थोड़े जे, फिर एक गीत होर सीगा उस गीत भी नाराजी हो गई सी, फिर बाई जी ने धर्मो की गा के सारिया नाराजियाँ करती हैं जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारिया दे उन्होंने नाराजियाँ दूर करती हैं सी। जो इस दुनिया तो चमकीले तोरिया जाता है, जो कतल किया जाता है, उदों जिहड़े आ तुसी गाने कीते, हो सकता ये गाने की रंजिश करके उन्हें मारिया हो? नहीं जी, उदों ना दौर चलता सी जी भी जनता नूं डराउणा, ते हुण कई कह दिंदे जी छिंदे दा हत्थ है जी मरौण च, कई कह दिंदे सदीक दा जी, नहीं इन्हां दोनों दा कोई हत्थ नहीं, कोई इन्हां दा रोल नहीं, इन्हां दा बच्चा वंगिया सी विच्चों मर रहे ये अत्तवादियां ने मर रहे जी, दो मुंडे सी जी ते दोनों ने उधर मूँह च गोलियां मारियां अमरजोत दे भी उधरों चमकीले दे भी, ते ओ जिहड़े साजी सी जी जिन्हों उतर लगे उन्होंने मारते मार के चले गए जी। तुहानूं कदों पता लग्या, क्योंकि उदों तां जिहड़ा फोनां दा मेरे ख्याल च दौर भी है नहीं सीगा, फिर पता कदों लग्या? मैनूं उसे वेले लग गया सी जी, कांड हो गए, मैं कोठी बनाई जांदे इन्हां दी जी, इन्हां ने जाणा सी 7 तरीक नूं कनेडा जी, ते मैनूं कहिंदे भाई तूं दा उत्ते बारियां लवा ला, ते मैनूं 1:30 बजे सुनेह आ गया सी जी। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਮਰੇ ਦਮਰ ਦੇ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਸਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਲਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਰੁਕੀ ਹੈ
मैं सच्चाई नहीं दसना चाहता क्योंकि मैं की लैना मैं फिर गाला कर दिए टैलीविजन मैं क्या भेजती जी ए मैं गाला कर दिए हुई जो सच्ची गल दस दिए एक पार्टी ने फिल्म रकाती एक ने केस करता जी पिछे वजह की हो सकती हूँ मैं तुम की दसा मजबूरी है मेरी जी। तो एक तुसी थोड़ी जी गल ये भी किया कि जेकर वह गाँवते सके तिखे गीत या अश्लीलता भरे गीत गाँवते पर उन्होंने जोड़ा जीवन से वक्रा जिमें तुम कहें जे वो कितने जाते ना तो रस्ते दीदा से कोई नंगे पैरी जाता खड़ के उस वक्त वो जरा मदद करके जाते जाते जी। तो जी अमरजोत जी और 24 घंटे पर वाहेगुरु 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 करती रही जी वाहेगुरु ता करती रही सी उन्हें गरीबी बहुत वेखी सी ते पहला भी असी अच्छ मतलब ग्रंथ साहब नाल जुड़े हुए जी तो उन्हें गरीबी बहुत वेखी सी तो मतलब याद करती रही सी पिता जी ने श्री गुरु नानक देव जी ने शुक्र अदा त्या शुक्र है वह घरों नहीं निकलती सी बस निकलना तो जाके पुछ लो गुरुद्वारे मत्था टेकन जाना बस। हाँ जी चमकीले जिवें गीत भी लिखे होर भी कोई चमकीले का गीत हैगा जिहड़ा खुद का तुसीं हुण गा सकदे हो? नहीं जी। हाँ जी हाँ होर कोई हुण नवें कोई गीत लिखे आ तुसीं हुण? भेट लिखी है जी। हुण नवीं कोई भेट लिखी है कि गा सकदे हो? हाँ जी। छन छन कर दी काली माता चल कलकत्यों आई छन छन कर दी काली माता चल कलकत्यों आई फरीदकोट दे भगतां ने भी माँ की जोत जगाई फरीदकोट दे भगतां ने भी माँ की जोत जगाई पसेरी लड्डू मंगे दी काल का माई पसेरी लड्डू मंगे दी काल का माई आई भी आई भी आई भी पसेरी लड्डू। क्या बात है जिवें हुण नाल ये भी है बूटा जी जिहड़े तुसीं बूटे जिन्ने इत्थे लाए है ये जिवें आंदे इहदे विच जिवें हुण मैं पहले भी दस्सिया तुहाडे हत्थीं ये बूटे लगाए गए है ते तुहाडे हत्थीं तुसीं इहनां नूं पाल भी रहे हो। हाँ जी वाकई सही गल। हाँ जी ये बिल्कुल सही है जी जिन्हों आ के इत्थे ओह बूटे लाउंदे सी आ के जिहड़े हुंदे है जी अपने सभा उन्होंने नाल मैं उन सेवा करवानी है टोए पटाने हैं उस तो बाद फिर मैं इन्होंने पानी की सेवा कर रहा। बूटा फिर घरे सौन ही जाता? मैं हाँ कद घरे सौन ही जाता जी सौन भी की जाने पता नहीं प्रधान जी का की आ जाना हुक्म भी बूटे अज तो इतने ड्यूटी है तो अज इतने जाना फिर वह भी हुक्म मनना पैंता जी। नहीं तुम प्रधान जिम्मे हम क्या सहारा सोसायटी के नाल जुड़े हो उन्होंने निर्देशों करके ये काम करते हैं कि खुद मन के भी थोड़े जिम्मे दसिया कि धार लिया भी मैं तो सेवा ही करनी है? नहीं मैनू नहीं कद कभी अज तक किसी ना अशोक पटागे ने जी ना प्रवीण काला जी ने ना किसी कमेटी ने मैनू कभी किसी ने कभी भी किसी ने आके कुछ नहीं किया मैनू मैं आपकी सेवा करता रहना मैं सगों आके पुछे प्रवीण काला जी दसो बुढ़िया किस चीज़ की लड़ है मैं कोई नहीं जी यानी कि तुम इतने रहने जिम्मे हम उन्होंने पता लगता भी फलाने का संस्कार है जो तो फोन करके जरूर दस दे भी आ भाई संस्कार है उत्थे आ रहे ये गल जरूर कहें मतलब कई बार जो बाहर गया मैं कहते कि कोई चीज़ लैन तो भाई दस देना उन्होंने भी इन्ने बजे हैगा तो इन्ने बजे तू आ जाना मैं उस पहले ही आ जाता जी मैं उस पहले ही आ जाता जी। हाँ जी होर कोई जी दर्शकों के नाल तो आपकी याद कोई साझी करनी चाहते हो? मैं तो ये कहना सारे भैन भरावान हाथ जोड़ के परमात्मा नाल जुड़ जाओ 20 मिनट अद्धा घंटा जरूर नाम लो मैं ये नहीं कहता हूँ जिमें मैं नौवें पातशाह मानता जी मैं तुम्हें कहवा नौवें पातशाह मनो मैं ये नहीं कहता जिन्हों मर्जी मनो पर 10-20 मिनट का नाम जरूर मनो जिते साड़ी लगी है लगी रहने दे और जिते साड़ी लगी है लगी रहने दे और लोग कहते ठगी है लोग कहते ठगी है और ठगी रहने दे जिते साड़ी लगी है लगी रहने दे ओ पोले नाल लगी है लगी रहने दे ओ पीए नाल लगी है ओ लगी रहने दे ओ लोकी कहंदे ठगी है ओ तोरे दूना छब्बी है ओ तेरे दूना छब्बी है ते ओ छब्बी रहने दे जिते साड़ी लगी आवे ए लगी रहने दे। क्या बात है क्या बात क्या बात है बड़ा यार खूब जिहड़े तुहाडे बोल ने जिहड़े शब्द तुसीं गुणगुणाउंदे हो ते बूटा गप्पी जे आपां गल करिए अपनी तनखाह दे विचों कोई ना कोई मदद भी करते किसी की ये गल जी सुनी असी भी उन्हें लेने का की है अपनी वो तनखाह दे विचों जरूर किसी ना किसी जी लोड़वंदा की मदद कर। वैसे ना पुत्र जी कहना तो ना हुण
कहेंगे बूटा फुकरा हो गया, इतने हम आ गए टायर वाले पैसे ले जाते जी, जहाँ कुड़ियों के दाखले नहीं होंगे उन्हें अभी कुड़ियों के दाखले मैं हूँ भरे है जी, टू टू जी को टू पैनी वह आगे ला जाता उदो रक्षा भाई दवाई वास्ते भेज देंगे है, कोई आके कहता हज़ार चाहिए, कोई आके कहता 500 चाहिए, जिनी कोई मदद होती है मैं कर दिना जी। मेरे बच्चे मैं कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चे कहें डैडी तो जो थोड़ा जी करता तुम करो। और कोई इस तों अलावा लोगों को कोई मैसेज की देना चाहते हो, क्योंकि बड़ी मैं लगता कि तुम तो लोगों के रूबरू हुए नहीं अब पहली बार जदोजहद तो बाद जो कैमरे सामने आए हैं। माता जी लोगों ये जरूर हाथ जोड़ के बेनती करूँगा, दान करो वो तो जिन्ना हो सकता, जे किसी गरीब की मदद हो सकती है वह भी करो, तो जिवें तुसीं राम बाग आउंदे आ इत्थे दान जरूर करके जाया करो। इस राम बाग नूं कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, सिर्फ प्रवीण काला जी ते अशोक भरग जी इन्हां दा मैं धन्नवाद करदा हां कि जिहड़े राम बाग जी नूं चलाई जांदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतह। तां सुणिया तुसीं इह सीगा बूटा बूटा गप्पी दे नाल नाम नाल जिहड़ा इह जाणिया जांदा है, तां उस दे नाल तुहानूं रूबरू कराया उसकी जिहड़ी पूरे जीवन ते जिहड़ी चात मराई है, उसके कम्मां ते चात मराई है, जिवें हुण खुद ये कैमरे सामने नहीं आके राजी जिवें इहदे नाल गलबात की, क्योंकि 4-5 दिन हो गए सानू जिहड़ा इहनां दे नाल राबता साडा लगातार जारी सीगा कि कैमरे दे सामने तुसीं आओ, पर नहीं आउणा चाहुंदे सी, ते अज जिहड़ा काफ़ी जिहड़ी जदोजहद तो बाद असीं इहनूं कैमरे सामने लैके आए हैं। तो दूजी गल जिहड़ी जिन्हां ने इहनां दे नाम लए है ये जिहड़ा जिन्हां नूं उस्ताद मानदे ने प्रवीण काला अशोक पटनागर है वो भी अज तक जिहड़ा कैमरे दे सामने नहीं आए, क्योंकि बहुत वड्डी गल है। बड़े व्डे जे समाज सेवी ने, समाज सेवी लगातार जिवें हुण तुसीं देखिया कि अपने कामां नूं लैके जरूर लोगों तक जनतक करदे आ, पर ये इस पासे इन्हां दी सोच नहीं गी, इन्हां दी सोच सिर्फ सेवा ही है, सेवा कर रहे ने। तां अज तुहानूं बूटे दे कम्मां ते चात मराई है, तो देखिया सुनिया तुसीं किस तरीके दे नाल ओह समावां अपनियां जिहड़ा इत्थे दे रहे है, तां नाल ही तुहानूं इह वी उसदा जीवन बारे दस्सिया कि ये जिहड़े अमर सिंह चमकीला ने मरमहूम गायक ने जिहड़े ते नाल उहनां दे अमरजोत, तां अमर सिंह चमकीले दे साधू ने, तां इन्हां ने गीत भी लिखे आ जिहड़े अमर सिंह चमकीले ने गाए है। तां बड़ा वड्डा मैसेज लोगों नूं दित्ता है कि तुसीं बाला नहीं टाइम कढ सकदे तां अद्धा घंटा जरूर कढो, जिहड़ा उस गुरु दा नाम लो, उहनां गुरु दे जिहड़े उहनां दी सोच है उहनां दे कदमां ते जरूर चलो, उहनां दे बोलां ते उहनां जिहड़े गुरबाणी दे शब्द है उहनां ते चल के तुसीं आपदा जीवन जरूर सफला बनाओ, जिवें उहनां ने कहा कि जिहड़ी इह सेवावां निभाउंदे आ, चल इह नहीं तां होर किसे पासे जरूर तुसीं अपनी जिहड़ी मदद कर सकदे हो। तां देखदे आ हुण इहनां दी सोच नूं वेख के, इहनां दे कम्मां नूं वेख के होर किन्ने क लोग है जिहड़ा इहनां दे कदम ते जिहड़े चलणगे इहनां दी सोच नूं अपनाउणगे। गुरजीत सिंह रमाणा, D5 चैनल पंजाबी, फरीदकोट। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।